एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फॉरेन एंड मी। कैसे हो आप सब लोग? आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जगह का व्लॉग बनाया जाए और आप सबको भी ये जगह दिखाई जाए। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है मेरे पीछे। ये जो जगह है इसका नाम है माउंट कूथा और ये ब्रिस्बेन सिटी से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। यहाँ पे लोग ज्यादा करके शाम को जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये ऊपर है, माउंटेन पे है और उस माउंटेन से पूरा ब्रिस्बेन सिटी का व्यू दिखता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइव है ये। तो चलो देखते हैं यहाँ से सिटी कैसा दिखता है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और चलिए चलते हैं देखने माउंट कूथा। लेट्स गो। तो अभी हम पहुंच गए हैं माउंट कूथा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और ऐसे टॉल ट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम है, सनसेट होने वाला है, इसलिए इन पे सन की थोड़ी थोड़ी रेज आ रही है और इनकी ब्यूटी और ज़्यादा निखर के आ रही है। क्रिसमस ट्रीज़ यहाँ पर बहुत सारी है, बहुत सारी क्रिसमस ट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हो कुछ क्रिसमस ट्रीज़ यहाँ पे नीचे भी है। तो चलिए चलते हैं ऊपर माउंटेन पे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सुमित। यहाँ पे बहुत सारे लोग आम चाय, कॉफ़ी या फिर मिल्क शेक्स या फिर रात को डिनर करने आते हैं। बहुत फेमस रेस्टोरेंट है ये। और यहाँ पे ये एक सुवेनियर शॉप है जहाँ से लोग अगर उन्हें कुछ शॉपिंग करना है तो वो शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं माउंटेन के रूफ टॉप पे और जैसे आप देख सकते हो यहाँ से हमें बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। तो यहाँ से हम पूरा सिटी व्यू देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस के पैंडमिक के वजह से लोग बाहर जा नहीं पा रहे थे। और जैसे अभी यहाँ पे क्वींसलैंड में कोई केसेस नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। और अभी थोड़े ही देर में सनसेट होने वाला है इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सनसेट देखने के लिए आए हैं। बच्चे यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्योंकि अभी शाम का समय है तो सूरज की किरणें हमें दिख रही है, तो सुनहरी सूरज की किरणें हमें दिख रही है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। तो पूरा सिटी यहाँ से दिखता है। अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे सीधा सामने अगर आप देखोगे तो सिटी व्यू वहाँ यहाँ से हमें दिखता है। वो पूरा ब्रिस्बेन सिटी है और ब्रिस्बेन सिटी के पास में ही जो रिवर है, ब्रिस्बेन रिवर, वो भी हमें यहाँ से दिखता है। तो इस साइड में अगर आप देखोगे तो इस साइड में हमें रिवर दिख रहा है, वो ब्रिस्बेन रिवर है जो पूरे सिटी के अंदर से जाता है। तो इस तरह से हमें पूरा सिटी यहाँ से दिख रहा है। काफ़ी ऊंचाई पर है हम, इसलिए हमें पूरा व्यू यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है।
तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो एनिमल है ये पिंक टंग स्किन है और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहीं पे पास में ऐसे छोटे छोटे क्रीक्स भी है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, और इसी तरीके से जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लोग पिकनिक मनाना पसंद करते हैं। और ये पूरा मैप दिया है रेफरेंस के लिए, तो अगर आपको यहाँ पे घूमना है तो आप उस मैप के हिसाब से घूम सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे एक शॉप में। ये वही शॉप है जो हमने बाहर से देखा था वीडियो के स्टार्ट में। तो ये एक सुवेनियर शॉप है, यहाँ पे बहुत सारी गिफ्ट आइटम्स या फिर अलग अलग तरीके के ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स के छोटे छोटे टॉयज़ हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग किचन्स और बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अभी इतना ज़्यादा घूमने के बाद हमें लग गई है बहुत ज़ोरों से भूख, और यहाँ का जो टेम्परेचर है अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ऑलमोस्ट 6 to 7 degrees टेम्परेचर यहाँ पे है। और इसीलिए मुझे तो यहाँ पे गरम गरम भजिए खाने का और चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो मिलता है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ने ऑर्डर किए हैं कुछ फ्रेंच फ्राइज़ और कॉफ़ी। तो देखते ही देखते अभी शाम हो गई है, और शाम होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है ये और ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे हीटर्स लगाए गए हैं ताकि टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो जाए और थोड़ी हीट बनी रहे। पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो बिल्कुल ही प्लान नहीं था, लेकिन जितना हो सके मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है और आप सबको वहाँ की सीनरी और ब्यूटीफुल व्यूज दिखाने की कोशिश की है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी ही कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे बताओ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस मैं इस चैनल पे डालने वाली हूँ। जल्दी ही सब्सक्राइब करो और वहाँ पे जो रेड कलर का बेल आइकॉन है वो भी प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जब आए तब आपको पहला अपडेट मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।